नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पीके की जुबानी अगर चल गई तो फिर बहुत कुछ निकलती है, वो बात जिसे सुनना ही पड़ता है और जिसके विश्लेषण के लिए तैयार होना पड़ता है। गोवा की राजधानी पणजी पहुंचे पीके और वहां से उन्होंने कांग्रेस की खबर ली और सीधे सीधे राहुल को बड़ी नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि राहुल को समझना ही होगा कि मोदी युग का अंत अगर हो भी जाए तो अब भाजपा से उनको छुटकारा नहीं मिलने वाला। और इसके पीछे एक ही कारण है कि जो कांग्रेस कुछ परसेंटेज वोट पाकर के 40 साल तक भारतीय राजनीति का पर्याय बनी थी, अब भाजपा भी उसी राह पर है। इसलिए राहुल सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं और उन्होंने कहा यह तकनीकी भूल कर रहे हैं, रणनीतिक भूल कर रहे हैं कि वो मोदी युग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर वैसे तो मोदी युग का अंत फिलहाल होने वाला नहीं, और अगर उसका अंत हुआ तो भाजपा से ही उनको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा भारतीय राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा हो चुकी है जिसका स्तर अखिल भारतीय स्तर है। और जब पीके ने यह बात कही तो राहुल को सीधे उन्होंने डिक्टेट किया, बताया, समझाया, नसीहत दी और कुछ चुनौती भी दी। क्योंकि ये ऐसा उन्होंने किया इसलिए क्योंकि कांग्रेस से उनकी बात नहीं बनी, और जब बात नहीं बनी तो पीके ने उस अंदाज में नसीहत दी कि कांग्रेस की वस्तुस्थिति, कांग्रेस की राजनीति की वर्तमान दशा और दिशा वास्तव में स्पष्ट हो जाती है, और इसलिए इस मुद्दे पर विश्लेषण तो बनता ही है। और आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता कुंवर सिंह जुड़े हुए हैं, प्रदीप भटनागर भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनूप भटनागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का एक साथ बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में। प्रदीप जी, पीके ने तो खबर ले ली भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पीके जी की अगर बात करेंगे, पीके जी तो सलाहकार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी थे। अब किस तरीके से हटाया गया और हटे वो देखा। अब कोई कांग्रेस को आईना दिखाना चाहता है, मगर कांग्रेस आईना देखना नहीं चाहती। आईना भी देखना चाहती है वो वाला जिसमें ये बॉडी बिल्डर नजर आए, मगर क्या है जो आईना इनको जो प्रशांत किशोर जी ने दिखाया है वो आईना वो देखना नहीं चाहते। सुरजेवाला जैसे जो बैठे हैं वो इग्नोर कर देते हैं। अगर प्रशांत किशोर जी को अगर कांग्रेस चाणक्य मानती है कि वो चुनाव चाणक्य हैं और सरकार और प्रदेशों में सरकार बना सकते हैं, तो ये समझता हूँ कि कांग्रेस कहीं फिर अब हाशिए पे है कि कांग्रेस का जो है अपना अब दिमागी स्तर या फिर सोच जो है ना वो ऐसी हो गई है कि वो अब ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। खत्म होने के कारण ही ये सब चीजें प्रशांत किशोर जैसे पार्टियों पे हावी होते हैं। कुंवर जी, इतनी पुरानी पार्टी जो सदियों पुरानी पीढ़ी पार्टी है, आज उन्हें प्रशांत किशोर जैसे की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ये समझ में आ रहा है जो इनके आका जो वरिष्ठ जो प्रदीप भटनागर जी, पहले बात सुन लिया करिए सर, उसी का तो जवाब हमें होगा ना। जब सवाल हो तो जवाब हो। आप पीके पे उंगली तो उठा रहे हैं भाजपा नेता के तौर पर, भूल गए कि आपने भी पीके का सहयोग लिया था? मैंने पीके पे उंगली नहीं उठाई है। पीके पीके व्यापारिक आदमी है, उसे तो जिस पार्टी चुनाव लड़ना है उसे पैसा मिलना है। मैं पीके कहना चाह रहा हूं को आपने पैकेज नहीं दिया था, वो पीके जाने सरकार जाने। हम इस स्टेशन पे बोलिए ना, बोलेंगे कांग्रेस कपिल सिब्बल जैसे, आनंद शर्मा जैसे और भी, गुलाम नबी आजाद जैसे और भी बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ नेता हैं जो नेतृत्व कर चुके हैं बहुत लंबे टाइम से, ऐसा क्यों उन्हें किनारे खड़ा कर दिया जो प्रशांत किशोर की जरूरत? ये भी कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे ग्राफिक्स प्लेट में देखें कि पीके ने क्या क्या बातें कही, और आप उसे चलाते रहिए, मेहमान हमसे बात करते रहेंगे।
कुंवर जी, कुंवर जी अब सवाल आपसे। बहुत स्थिति खराब हो गई सर आप लोगों की, आवाज आपकी थोड़ा कम आ रही है सर। मैं कह रहा हूं कि पीके ने तो राहुल गांधी को धो दिया है सर। प्रशांत किशोर ने पीके, हाँ, बोलिए, आवाज आपकी कम आ रही है सर। अब आप इसका जवाब दीजिए ना, सुन लिया आपने सवाल। हेलो, मैं आपसे सवाल ये कह रहा हूं, सीधा सवाल है, राहुल गांधी की खबर ले ली है पीके ने कि मोदी ये प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनाई जाती है, रणनीति के तहत कार्य किया जाता है, लेकिन लोकतंत्र में जो वोट तंत्र है वो अपना दिशा और दशा निर्धारित करता है। किसी भी पार्टी को कितना वोट मिलेगा ये रणनीतिकार तय नहीं करता, रणनीतिकार लड़ने की रणनीति बनाता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता तय करती है। और ये वो देश है जो एक ही झटके में सरकार कितनी सरकारों को उलट पलट कर देता है। लोकतंत्र का साफ सुथरा नजरिया यही है। और मेरा तो ये मानना है, ठीक है पीके प्रशांत किशोर जी अपनी संस्था चलाते हैं और उसको चुनाव के वक्त सभी दलों ने, मेरे ख्याल से भारत में तो लगभग बहुत सारे दलों ने उनको हायर किया है, वो वैतनिक आदमी है, वो अपनी अपना वेतन लेते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं जी। तो किसी भी वैतनिक संस्था का जो मुखिया है उसके व्यक्तिगत विचार है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं एक बात स्पष्ट करूं, देश में लोकतंत्र जनता के लिए और जनता का जवाबदार होता है जो सरकार में बैठा होता है, और जब उससे जनता ना सुनती है तो वो अपना फैसला सुनाती है। और चुनाव इतनी जल्दी होते प्रशांत किशोर जैसे जो रणनीतिकार है वो तो कुछ वर्षों से इस देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, तो इस लोकतंत्र के भी लोकसभा नहीं पहुंचने दिया। तो मेरा स्पष्ट साफ से आग्रह है, हो गई बात अब आपकी। आप ये बताइए कि पीके को आप कांग्रेस से जोड़ने की कवायद नहीं कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से? सवाल का जब आप प्रशांत किशोर को पिछले 6 महीनों से अपने पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं, सवाल यह है। नहीं, देखिए जोड़ने का क्या है, चुनाव में जाना है, चुनाव में जाने से पहले रणनीति बनाई जाती है, विचार विमर्श किया जाता है। अब किसी को हायर करना है नहीं करना है ये तो पार्टी तय करती है। उनको उनका भी प्रशांत किशोर ऐसे समाज सेवी तो नहीं है कि केवल फ्री में समाज सेवा देते। मैंने पहले भी आग्रह किया कि वो हर दल के में अपनी सेवा दे चुके हैं, उनका अपना पारिश्रमिक है, वो अपने पारिश्रमिक लेकर कार्य करते हैं। और जाहिर सी बात है चुनाव में साले दल के लोग लेते, कांग्रेस ने भी उनको हायर किया है और कांग्रेस भी चाहती है कि रणनीति बने। और प्रशांत किशोर ये तय करेंगे कि हमको क्या करना, नहीं, हमारी बनाई हुई रणनीति पर वो अपना मेल मिलाप करेंगे और उस हिसाब से पार्टियां तय करती हैं। अच्छा ठीक है, चलिए खैर आपकी भी मैं सीमा समझ सकता हूं। अब मैं आता हूं वरिष्ठ पत्रकार अनूप भटनागर के पास। अनूप सर, चूंकि आपके नेतृत्व में बहुत कुछ सीखा है मैंने, सवाल ये आज मैं समझना चाहता हूं सर, और उसका जवाब दीजिएगा कि ये प्रशांत किशोर जैसे लोगों को भी राहुल को डांटना पड़ता है और आईना दिखाना पड़ता है, और कांग्रेस की मजबूरी देखिए कि सचमुच में प्रशांत किशोर ने वो बातें कही हैं जो सच है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन मजबूरी कहां आ जाती है सर? ये मजबूरी सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र सिर्फ जो दिखावे का रह गया है। अगर वरिष्ठ नेताओं की टीम मिलके काम करे तो प्रशांत किशोर जैसों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां तक भी क्या है कि कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के औरे से बाहर नहीं निकल पा रही है। जब
कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन तक जुड़े हुए हैं जी। सर प्रशांत किशोर के भरोसे कोई भी पार्टी चुनाव लड़ना चाहे तो उसका तो राम मालिक है। और ये अगर आ जाए कि प्रशांत किशोर ये तय करेंगे कि कांग्रेस की क्या नीति होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, क्या कंट्री की क्या नीति और दिशा होनी चाहिए, तो ये राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के लिए शर्म की बात है। अनुप सर सवाल इससे जुड़ा हुआ, लोग हैं विभिन्न पार्टियों के वो अपने हिसाब से तय कर रहे होते हैं कि कहाँ पे किस तरह के का माहौल है, जनता का मूड किस तरह का है, वहाँ पे किस तरह का नेतृत्व को भेजा जाए, भाषण के लिए किस तरह के मुद्दे वहाँ उठाए जाने चाहिए ताकि मतदाता हमारी तरफ आकर्षित हो। ये एसी रूम में बैठ के दो और दो चार करना और छह करना, इससे मुझको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है, मगर प्रशांत किशोर को जरूर आर्थिक लाभ मिल सकता। सर सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है पड़जी से वो भी हमें समझना होगा कि अगर राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि मोदी युग का अंत हो जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा और भाजपा से किनारा कर लेंगे, हम भाजपा से छुटकारा मिल जाएगा, ये स्वप्न है। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दिवाकर जी, ऐसा है कि इस तरह की कल्पना करना दिवास्वप्न ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कहीं ज्यादा ताकतवर और अनुभवी नेता ममता बनर्जी है। इस समय अगर आप विपक्ष में आप नजर डालिए तो आपको दो ही नेता नजर आ रहे होंगे, एक नवीन पटनायक जी जो बहुत शांति से अपना काम करते हैं बगैर किसी उसके जी। और दूसरी तरफ ये ममता बनर्जी जो बाकायदा जो है मोर्चा चला रही है, ममता बनर्जी की पार्टी से लंबी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। अपने अतीत को बड़ी आत्मभूत होते रहेंगे कि दूसरी पार्टी ये थी, वो पार्टी वो नेता दूसरे थे, उन नेताओं का जमाना दूसरा था। नहीं नहीं मेरा क्यों आप वाप नहीं कर सकते हो? नहीं अनूप सर, मेरा सवाल ये है कि जो पीके ने ये कहा कि वैसे तो मोदी युग का अंत नजदीक नहीं है पहली बात, और अगर मोदी युग का अंत हो भी जाता है, सवाल सुनिएगा मेरा, तो कांग्रेस के लिए दिवास्वप्न है कि वो भाजपा से छुटकारा पा जाएगी, क्योंकि भाजपा भारतीय राजनीति का पर्याय बन चुकी है। एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है आपकी बात, बिल्कुल सही है। देखिए जहां तक मोदी युग के अंत का है तो मुझको नहीं लगता कि आने वाले 10 साल में कोई विशेष बदलाव होने की उम्मीद है। मोदी 2024 में भी निश्चित रूप से मुझको लगता है जिस तरह की दूसरी और तैयारियां चल रही है, सीमा पे तैयारियां, सीमा पे सीमावर्ती राज्यों में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, संसाधन पहुंचाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है। और गांव ग्रामीण अंचल में लोग खुश हैं, शहरी और ग्रामीण अंचल में अंतर करना पड़ेगा। ग्रामीण जनता जो है उसको जो सुविधाएं मिल रही जो पहले नहीं मिली थी जी 2024 के, तो मुझको लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद करना कि मोदी जो का अंत हो जाएगा गलत है जी। मोदी का अंत अगर होगा भी तो मुझको मेरा अपना ये लगता है कि फिर टीएमसी हावी हो जाएगी। ये तो स्पेकुलेशन हो सकता है, ये आपका आकलन अनुमान हो सकता है, ये बाद में हम चर्चा करेंगे। आज प्रशांत किशोर ने जो कहा है सिर्फ चर्चा उस पर होगी और उसके मायने क्या है जी। देखिए दिवाकर जी, प्रशांत किशोर को चूंकि कांग्रेस में एंट्री नहीं मिल पा रही है जी, लंबे समय से उठा पटक कर रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस में एंट्री मिल जाए, अभी तक उनकी एंट्री हो नहीं पाई है। और अगर होता है कि वो राहुल गांधी को आईना दिखा करके फिर एंट्री उनको मिल जाए कांग्रेस में, तो नहीं हो सकता। लेकिन अनूप सर आप ये मत भूलिए कि हम चाहे जितनी आलोचना उस व्यक्ति की करें, मैं ऐसा मानता हूं एक पत्रकार के तौर पर कि उसमें कुछ खूबी तो है। उस शख्स की सेवाएं आज भी ममता दीदी ले रही हैं, और अगर वो गोवा की यात्रा पर गया है तो वो व्यक्ति वहां पर टीएमसी की जड़ें तलाशने या उसको मजबूत करने के लिए गया है, तो कुछ तो है उस व्यक्ति में जी। निर्धार है वो, आप सारे आंकड़े इकट्ठा करके इसी कमरे में बैठ करके जब अपनी रणनीति तैयार करते हैं, सारे समीकरण देखते हैं, उनका स्टडी करते हैं जी, तो आपका निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष को आप सामने रखते हैं। पंजाब भी गए थे, पंजाब फिर डेरा डाल कांग्रेस में, अब ऐसी
लेकिन लेकिन बिहार में सर, बिहार में दाल गल गई ना, बिहार में दाल गली, बंगाल में दाल गली, और भाजपा के साथ भी जुड़ने से एक बार भाजपा की भी दाल गली, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अब हम कुंवर सिंह के पास आते हैं जो कांग्रेस नेता है। कुंवर जी, आप माने या ना माने, आज भी इतनी खिंचाई की गई है राहुल गांधी की प्रशांत के द्वारा, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर कुछ तो रणनीति बना दें, क्यों? मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं, वर्तमान परिस्थितियों में या वर्तमान राजनीति में, चुनाव की रणनीति में प्रशांत किशोर जैसे मैनेजर, जो वोटों को किस तरह मैनेज किया जाए इसकी एक रणनीति तैयार करते हैं, तो उनकी सेवाएं आप लेना चाहते हैं, फिर क्यों सिरे से खारिज कर देते हैं? देखिए दिवाकर जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि प्रशांत किशोर कोई भविष्यवक्ता नहीं। अच्छा। प्रशांत किशोर कोई देश के निर्माता नहीं है। यदि इतना ही होशियार होते तो देश के राष्ट्रपति नहीं हो जाए, खुद पार्टी नहीं बना ले। वो एक व्यक्ति है, उनकी एक संस्था है, वो देश में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों की मदद करते हैं, रणनीति तय करते हैं, और जनता को कोई भाप नहीं पाया है। ये मत सोचिए आपकी प्रशांत किशोर ने कह दिया तो हो गया। कल राहुल गांधी जी ने पेगासस पर मुद्दा उठाया था, क्यों देश के लोग नहीं सुन रहे? आखिर पेगासस को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि जांच होनी चाहिए? देश का पैसा, लोगों के, जनता का पैसा, टैक्स का बर्बाद हुआ। राहुल गांधी ने वो मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, प्रशांत किशोर ने कह दिया, आप कहते हैं भविष्य मुद्दा। प्लीज प्लीज सवाल सुनिए, वो तो ठीक है। देखिए, आप अगर प्रवक्ता के तौर पर आप पूरी प्रचार की भाषा में बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप ये बताइए कि पेगासस के मुद्दे पर आप भारतीय जनता पार्टी या यू कहें एनडीए की सरकार गिरा देंगे? देखिए हकीकत, सरकार तो चुनाव से गिरती है दिवाकर सिंधिया। ये अतिशयोक्ति सवाल आप पूछ रहे हैं। अतिशयोक्ति सवाल पूछने का उत्तर देना, देखिए कोई भी सरकार गिरना और बनाना तो चुनाव तय करता है। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। हम जनता के प्रति जवाबदार हैं, मुद्दे उठाते हैं, जनता को पैसा बर्बाद ना हो। जो भी सरकार है, सरकार तानाशाही होनी चाहिए। सरकार ने जो भी निर्णय ले वो जनता के हित में ले। पेगासस ऐसा मुद्दा है जो हम देश की सुरक्षा के लिए है, लेकिन किसी के फोन टैप कराना, सुप्रीम कोर्ट के जज का फोन टैप कराना, निर्वाचन आयुक्त का फोन टैप कराना, विपक्षी दलों का फोन टैप कराना, मुख्यमंत्रियों का फोन टैप कराना, ये किसका है? और निर्णय लेने का काम तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का है। देखिए पेगासस ऐसा मुद्दा है, हमारी पार्टी ने जनता के हित के लिए उठाया है। अब मैं सवाल करूं, ये भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तमाम आरोपों के बावजूद, तमाम घेरान करने के बावजूद, घेरने की तमाम रणनीति बनाने के बावजूद, मोदी और मजबूत होते जा रहे हैं। कभी मूल्यांकन किया आपने? मैं सहमत हूं, प्रशांत किशोर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो सहमत हूं। देखिए दिवाकर सिंह जी, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर दूं। हाँ। अगर राहुल गांधी की बात में दम नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेके बड़े नेता तुरंत डिफेंस में उतरते हैं। इसका मतलब जान लीजिए कि सही बात बोली जाती है, और जब सही बात और सटीक बात बोली जाती है तो बहुत सारे लोग उसकी बात को दबाने की कोशिश करते हैं। और एक बात निश्चित जान लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी कोरोना में फेल हुए, जिस तरह से गंगा नदी में लाशें तैरती हुई, ऑक्सीजन के लोग बिना मरे, बिना बेड के मरे, और आज आपने देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद, उन्होंने वैक्सीन बनाया और इतने समय में उन्होंने लगा दिया। लेकिन सफलता पर आप पीठ थपथपा रहे तो असफलता पर भी थपथपाइए। आपने कोरोना महामारी को महामारी मानने से इंकार कर दिया, शपथ पत्र एफिडेविट आपने सुप्रीम कोर्ट पर दिया। बहरहाल आप प्रशांत किशोर की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार है, पैसा लेते वैतनिक आदमी है, तनखा लेते हैं, पैसा लेते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति देश के लोकतंत्र को सलाह दे सकता है। रही राहुल गांधी की बात, तो कितने आप सलाह देने वाले सलाह देते रहते हैं, पार्टी अपना निर्णय करती है, पार्टी अपने निर्णय के हिसाब से चलती है। प्रदीप भाई, अब आप बोलिए, आप बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, बोलिए जी। देखिए, अपना चेहरे ना मिल पाया प्रदेशों के अंदर तो लोग सीधा मोदी जी, आप बोलिए जी। बिल्कुल बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं, लोग बाग जब कहीं विफल हो जाते हैं चीजों में, क्योंकि तो लोग इस तरीके से ही
सर राहुल गांधी जी को ना तो पार्टी ना उनके नेता और ना जनता कोई सीरियस नहीं लेती है। जो संज्ञान राहुल जी को सिद्धू जी ने दिया था, एक नाम जो दिया था राहुल जी को, वो नाम सिर्फ सही है। देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राहुल को क्या मैंने कोई कहना चाह रहे हो मैं मालूम नहीं। एक बार आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्लीज प्लीज गंभीरता से जवाब दीजिए। और सवाल ये है कि अगर सारे गंभीर, प्लीज प्लीज आप सवाल सुनिए सर, प्लीज। दिवाकर जी सारी गंभीरता जो बनी है, सारी गंभीरता जो बनी है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेताओं के लिए बनी है केवल। नहीं मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना भाई। देखिए आप रूलिंग पार्टी हैं, आपको समझना पड़ेगा। महंगाई का मुद्दा या कोई एक ऐसा मुद्दा या पेगासस के मुद्दे को ही ले लीजिए, अगर आपको घेरा जाता है, विपक्ष को लगता है कि जनता एक न एक दिन उनकी बात सुनेगी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल, ये मोदी की ताकत है कि जो जनता इन बातों को नकार रही है। लेकिन सर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं लाल फीताशाही, महंगाई, अगर ये मुद्दे बराबर जड़वत यूं ही आगे बढ़ते रहे, तो अगर ये बात की जाती है कि हो सकता है मोदी युग का अंत भी हो जाए, ये बात ही क्यों करनी पड़ रही सर? दिवाकर जी ये राजनीति है और ये जो कुर्सी बनी है इस पे कोई नाम गड़ावा लिखा नहीं किसी का भी। आते हैं चले जाते हैं। दिल्ली में भी छत्र राज करना चाहा था श्री शीला दीक्षित जी ने जी। और बहुत विकास करा था, मगर एक मामूली सी बात पे शीला जी की राजनीति जीरो कर दी थी। ये प्रजातंत्र है। मैं तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी अभी लंबे टाइम से, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, कुछ भी किसी को चढ़ा सकती है, किसी को उतार सकती है, क्योंकि वोट का अधिकार ऐसा अधिकार है वो हीरो जीरो बनाने में सक्षम है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं अभी से सुन रहा था, अभी लोग बाग कोरोना पे पहुंच गए थे उनको छुपी के को छोड़ के और ऑक्सीजन में पहुंच गए। अगर मैं सवाल करता हूँ विषयों पे तो जवाब नहीं दिया था कि प्रदेश के अंदर इतनी नौकरियां खाली हैं कांग्रेस के, तो वो चुप क्यों बैठी है? अगर प्रदेशों के अंदर, अगर उत्तर प्रदेश सरकार है, अगर 5 साल होने जा रहे हैं, 5 साल में 4.5 लाख लोगों को अगर रोजगार दिया या आगे देने की बात कर रहे हैं, तो और जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां से इन चीजों की आवाज क्यों नहीं आती? पहली चीज, हर राजनीति उत्तर प्रदेश में ही होगी, राजस्थान में नहीं होगी, पंजाब में नहीं होगी, छत्तीसगढ़ में नहीं होगी। क्या महाराष्ट्र के विषय में अगर हम बात करें तो हमारे लिए गलत है? प्रशांत किशोर जो कहना है कि आप अपने गृहमान और अपने प्रदेशों में झांक के देखिए आपका क्या चल रहा है, जो आपकी जो गृह और कलेश लड़ाई है वो दर्शाती है कि कांग्रेस की जो पहले रणनीति थी खाओ और खिलाओ उस पर आज भी काम चल रहा है। अभी जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात करी, एक समय ऐसा था कि भ्रष्टाचार चरम पे था, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम बीजेपी सरकार ने एक तक जहां तक कदम बढ़ाए और फिर से काम करने की कोशिश करी, आज वो हमारे आपके सामने है। आज अगर उत्तर प्रदेश को भी ले लें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्ष होने जा रहे हैं, कोई एक कोई हमारा केंद्र का या प्रदेश का नेता बताइए कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई कोयला घोटाले में लिप्त हो, कोई बिजली घोटाले में लिप्त हो, कोई 2G 3G 4G घोटाले में। देश बचेगा तब तो देश बेच दोगे तो कहां। आप बोलिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप डिबेट को असदे बैठते हैं, जब भी आप डिबेट को घुमाते हैं, जब आप सवाल होते तो आप नहीं बोलते, आप बीच में बोलने लगते हैं, आप दूसरा ना बोले। बिल्कुल पूरा करिए सर। हाँ पूरा करिए। अगर आपने जैसे विफलता की बात करी सरकार को लेके राष्ट्र सॉरी भारत की, तो ये थीटरा प्रदेश की सरकारों को भी जाता है कि आपने बेड आईसीयू के या वेंटिलेटर के क्यों पेश दिए। ठीक है, आपकी जनता जो वादे किए, मैं तो पंजाब के लिए अगर पूछू तो बिट्टा जी ने 3 सूत्री कार्यक्रम जो इनके लिए रखा है, क्या उसमें बता पाएंगे? जो 3 सूत्री कार्यक्रम प्रियंका जी रख रही है, कभी ये रख रहे हैं, कभी बघेल साहब रख रहे हैं, उसके विषय में नहीं बताएंगे? वो भी प्रदेश की जनता है, प्रदेश ने चुना है उन प्रदेश की सरकारों को, उनका काम करना है, इनका अधिकार है। ठीक है, जो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो रेत माफियाओं पे बैन लगाया, क्या रात को रेत खनन होने के लिए बिट्टा जी खुलवाना चाहते हैं? जो BSF ने जो 50 का दायरा बढ़ाया, क्या बिट्टा जी इसको कराना चाहते हैं? ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर ली। कांग्रेस के नेता इसका जवाब देंगे, उसके पहले अनूप जी से एक सवाल। अनूप सर अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सवाल ये है कि इतने तरीके से मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और पीके ने भी कहा और कुछ हद तक आप भी सहमत हो सकते हैं और मैं भी सहमत हूं कि मोदी एक नेता के तौर पर
निर्विकल्प तौर पर भारतीय राजनीति के पर्याय बने हुए हैं। बड़ी बात है, क्या कारण है सर? देखिए ऐसा है कि मोदी जो इस समय जैसा कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति के पर्याय बन रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि दूसरी दलों के लोग क्या कह रहे हैं, मोदी कितनी आलोचना कर रहे हैं, वो उन पर ध्यान देने की बजाय जन कल्याण के कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। जी जी जी, आप देख लीजिए पिछले 5 साल के अंदर जी सीमावर्ती राज्यों पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। जी पूरी तरह से ध्यान दे, आप ले लीजिए कृषि कानूनों को, कृषि कानूनों पे जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, जो कांग्रेस ने वादे किए कि बार बार डिमांड हो रही थी, उसी पैटर्न पे काम चला। ठीक है, कानून किया, कानून बनने के बाद जी आवाज उठाई, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद आप हंगामा किए हुए हैं, धरना चल रहा है, ठीक है, मगर सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में जब पेंडिंग है तो संवैधानिकता, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। और मोदी ने भी गवर्नमेंट कह दिया हम इसको वापस नहीं लेंगे, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब आप देखिए पंजाब में लगातार अभी इन्होंने 3 सीमावर्ती राज्यों में 50 किलोमीटर का बीएसएफ को दिया है, सिर्फ और बंगाल 2 राज्य हैं जो विरोध कर रहे हैं। क्यों भाई? अनूप सर, अनूप सर आप वरिष्ठ हैं, आज मैं एक बात बोलना चाहता हूं जो कि सवाल के रूप में हो सकता है ये मोदी का महिमा मंडन मान लिया जाए। मुझे लगता है कि पीके ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच इसलिए है क्योंकि मोदी समय समय पे जो एक बयान देते हैं कि मैं क्या लेके आया था और क्या लेके जाऊंगा, मुझे झोली उठा के जाने में समय नहीं लगेगा, और यही उसकी वो ये बात आप सही है जो मोदी ने कहा है, मगर जो जनता में परसेप्शन बन रहा है कि ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। मैं आपसे यही बात तो आगे यही पूछना चाह रहा था, अगर जनता में ये परसेप्शन बन रहा है तो जनता नकार देगी, लेकिन जनता नकारने के लिए तैयार नहीं है, वो उस परसेप्शन को स्वीकार नहीं कर रही है। जो जनता में बन रहा है वो मध्यम वर्गीय है जी, ग्रामीण अंचल की जनता में ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में ग्रामीणों के घर तक पानी पहुंच रहा है, ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंच रही है, आपने स्ट्रीम में गैस पहुंचाई, गैस अभी संकट हो रहा है, उस पर आप लगातार दाम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद ग्रामीण जनता लग रहा है कि ये काम कर रहा है, कुछ काम हो। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना सर, सर 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 प्लीज आप बात सुनिए, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि शायद यही कारण है कि तमाम परेशानियों के बावजूद जनता विकल्प के बारे में सोच ही नहीं रही। नहीं सोच रही, सही बात है जी जी जी। अब मैं आता हूं कांग्रेस नेता से सर पूछूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ढेर सारे सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं और इसीलिए आज मैंने आपको चर्चा में बैठाया। कांग्रेस नेता से मैं पूछना चाहूंगा कि इतने इतने मुद्दे हैं लेकिन आप जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, आपके विचारधारा से जुड़े हुए लोग तो बस कहते हैं भाई सब मोदी गए, सब कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन फैक्ट ये है, जैसा कि अनूप जी ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं भी गांव को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, जानता हूं, आज भी मोदी के नाम पर ये है कि ये बंदा करता तो है कुछ, बाकी परेशानियां सह ली जाएंगी। ये जो परसेप्शन है ये कब खत्म करेंगे आप? कुंवर सिंह देखिए, दिवाकर जी सुन लीजिएगा, आपने कहा कि करता कुछ है, मोदी जी ने जो कहा है वो तो करवा दीजिए, वही तो मैं भी कहता हूँ और जनता भी कहती। आपने कहा हम 15 लाख देंगे, कहीं आज तक बात होती है? मोदी जी ने कहा हम काला धन लाएंगे, किस काले धन की? 2015 में एक बैठक हुई थी नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ा देंगे, हवाई जहाज तो बिक गया। रेलवे का आप देख रहे हैं क्या हाल है, चाय बेचने पर उन्होंने अपने से प्रचार किया था, कोई नहीं कहा था कि कहिए, और खुद उन्होंने बोला हम चाय बेचते थे, आज रेल तक बेच दी। क्या आपने अपने मैनिफेस्टो में यह स्वीकार किया था कि हम देश की सार्वजनिक संपत्तियां बेचेंगे? दूसरा आपने सवाल किया कांग्रेस कनेक्ट नहीं हो पा रही, महंगाई हम बढ़ा रहे हैं जी, पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में है, और दूसरे एक बात और आप जान लीजिए, देश अगर भ्रष्टाचार का जवाब जानना चाहता दिवाकर जी तो सबसे पहला सवाल है
आप अपना फोटो लगाकर देश की जनता, देश के संस्थानों, देश के व्यापारियों, देश के पतियों और देश के गरीब जनता से आपने कहा था प्रधानमंत्री केयर फंड है, पीएम केयर फंड हम बना रहे हैं, उस पर आप मदद करिए, उसमें गरीबों की मदद होगी, आप उसको सरकारी घोषित करिए ना, उसका हिसाब दीजिए। आप सिर्फ कह देना कि ये निजी हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है, मोदी सरकार ने जवाब दिया है कि पीएम केयर फंड सरकारी नहीं है। इसी तरह अंबानी के जियो के ब्रांड एम्बेसडर ने 2015 में प्रधानमंत्री जी की तस्वीर छपी, क्या प्रधानमंत्री का मोल इतना कम है? 130 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति क्या किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होगा? और जियो कंपनी ने प्रधानमंत्री की तस्वीर छपवाई और क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने उससे सवाल जवाब किया? तीसरी बात, हमारे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तो भारतीय जनता पार्टी बनाई थी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, कितने सारे उदाहरण हैं, कहाँ हो आप? दूसरे पर उंगली मत उठाइए। रही बात राहुल गांधी की और कांग्रेस शासित राज्यों की, हो गई हो गई। राहुल गांधी कितने बड़े हैं सर, अरे अब सुनिए, अब मैंने आपकी देखिए जो भाजपा की जब आप खिंचाई कर रहे थे तो मैंने सुना, क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर उन बातों को सामने आना चाहिए। अब राहुल की तारीफ में आप क्या बोलेंगे सर, मुझे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, सुन लीजिए। नहीं नहीं सुनिए, अब आप सुनिए देखिए, अरे सुनिए, छत्तीसगढ़ में 2500 धान हमने खरीदा, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत हो तो दिखा दे। अरे सवाल तो सुनिए ना मेरे बाबा, किसी भी प्रदेश में हो गया 2500 रुपए धान हमने खरीदा है। कुंवर जी, दो दिन पहले हमने माफ किया, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत हो तो एक नाखून का। मेरा सवाल सुनिए, दो दिन पहले बहुत बड़ी टिप्पणी लालू यादव ने की है, राहुल कितने महान है, सोनिया कितनी महान है, कांग्रेस की कितनी बड़ी औकात है, ये दो दिन पहले लालू ने कह दी थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरा कोई बयान तो है ही नहीं। प्लीज सत्य को स्वीकार करिए और आप अखिल भारतीय स्तर पर एक कैडर बेस्ड पार्टी है, आगे बढ़िए ना सर, क्यों आप अपनी बातें बोल रहे हैं, वही बातें, राहुल जी हमारे ये है वो है। अब बोलिए दिवाकर जी, हम जनता के प्रति जवाबदार है, हमारी नहीं काटा माफी में। पंजाब की बात हो तो चरणजीत सिंह चन्नी ने वहां पर बिल माफ कर दिया, पानी फ्री कर दिया। छत्तीसगढ़ की बात करते ठीक है, तो प्रदीप भटनागर जी आप मुग्धता से बाहर निकलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं आप, कहीं इतने आरोप और इतनी समस्याओं से जब जनता घिरेगी तो विपक्ष की आवाज इतनी ना मजबूत हो जाए कि सब कुछ धरा का धरा रह जाए, इसलिए आत्मुग्ध मत होइए। और अगर आप आत्मुग्ध नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव आप लेने जा रहे हैं? देखिए भयमुक्त की तो बात ही नहीं है, देखिए अगर देश के प्रधानमंत्री को देखा जाए, अगर देश के प्रधानमंत्री जैसे ये घमंड में चूर और दुनिया भर जो बातें कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए, बीजेपी वालों के लिए, अगर घमंड का चूर वाली बात होती, जो मन की बातों में प्रधानमंत्री आते हैं बहुत सारे विषय और मुद्दों को लेके, वो घमंडी आदमी नहीं आया करते हैं। देश में कोई प्रधानमंत्री आया जो कहीं बात भी पटना कर, सुनिए सुनिए 7 साल में, अरे सुनिए सर, सुनिए घमंड नहीं, सुनिए सर, सुनिए छत्तीसगढ़ मैं अपने तीनों में मारो से अनुरोध करूंगा, अरे सुनिए ना सिद्धू जी, सुनिए आप, अरे सिद्धू जी सुनिए, सिद्धू जी सुनिए, सुनिए अरे सिद्धू जी किसी ने तो सिद्धू जी सुनिए, अरे नवजोत सिंह सिद्धू सुनिए ना, सिद्धू पे अरे सिद्धू जी सुनिए, सिद्धू जी सुनिए, अरे सिद्धू जी बात सुनिए, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल सिद्धू जी सुनिए, नवजोत सिंह सिद्धू सुनिए, अरे तेरा सुपर कार्यक्रम सुनिए, तेरा सूत्री कार्यक्रम सुनिए, ये जो परिक्रमा कर रहे हैं आप लोग, जो गांधी परिवार की परिक्रमा कर रहे हैं, जो गांधी परिवार की जो परिक्रमा करते हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत गंदी आदत है, अरे मैं आप दोनों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप प्लीज इस तरह से लड़िए मत, मुझे आप दोनों की आवाज कम करनी पड़ेगी।
बहुत जल्दी आ जाते हैं बीच में बोलने की, क्या ना कहीं जब होती है बारी सुनने की तो बड़ी गलती आ जाती है। कांग्रेस की लुटिया डुबोने के तैयार बैठे, कांग्रेस की जो लुटिया डूबी है ना राहुल गांधी जी, कुंवर सिंह जैसे लोग बैठते हैं, दलाल तो आप है, दलाल तो आप है, दलाल तो आप है, आप बहुत पुराने सौ वर्ष पुराने दलाल है, आप लोग चिंता मत कीजिए। मेरे पता अब आप लोगों ने बोल लिया, ये भारतीय राजनीति की एक कैसी विडंबना है, भारतीय राजनीति की एक कैसी विडंबना है। आगे महिलाओं के साथ सहयोगी से कहूंगा कि कांग्रेस नेता और भारतीय जनता पार्टी दोनों नेताओं की आवाज बिल्कुल डाउन कर दें, बिल्कुल डाउन कर दें, और अब मुझे बोलने दें, ये भारतीय राजनीति की कैसी विडंबना है, दो बड़ी पार्टियां जब मुद्दों पे चर्चा होती है तो चर्चा करने की बजाय ऐसे लड़ते हैं कि आगे सब कुछ तहस नहस कहना पड़ेगा। और सवाल यही है कि राजनीति में जब निर्णय लिए जाते हैं और विपक्ष एक आधार बनाकर उन कार्यक्रमों और सरकार की दशा और दिशा की पूरी तरह से व्याख्या करती है, उसकी आलोचना करती है, और इस आलोचना का जो मर्म होता है, जो जनता की अभिव्यक्ति होती है, शायद उसे समझने की कोशिश न सत्ता पक्ष करता है और न विपक्ष, और इसी कारण से लोकतंत्र के किसी भी पर्व पर या महापर्व पर अर्थात आम चुनाव में जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। अनूप भट्टाचार्य जी, आप भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, और कांग्रेस के ये दो महान कांग्रेस के महान प्रवक्ता और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, अब कुछ आगे नहीं बोला जा सकता, लेकिन ये दोनों एबीसी स्टार न्यूज में आए और अपनी बातों को रखा और अच्छे तरीके से लड़ाई की, जो आप भी नहीं समझ पा रहे और हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, और इनकी बात कोई नहीं सुनना चाहता जब ये इस अंदाज में लड़ते हैं। अब आप लोग दोनों चुप हो गए, अब आप थोड़ी देर सुनिए। माननीय कुंवर सिंह जी, माननीय कुंवर सिंह जी, माननीय कुंवर सिंह जी, जब जब लड़ जाइए एक बार और, आप दिखाइए, मैं चाहता हूं कि आप इन लोगों की लड़ाई को इस तरह से दिखाते रहिए। मैं पीसीआर टीम से कहूंगा कि प्लीज दोनों के इस स्तर की लड़ाई को जरूर दिखाइए। दिवाकर जी, आपने आपको बैठाने लोग नहीं मिलते, दिवाकर जी बैठाने के लिए बदतमीज लोग बैठाते हैं आप लोग। हाँ, तू ढंग का आदमी। अब आप सुनिए कुंवर जी, कुंवर जी, ऐसे चिल्लाने से आप राहुल राहुल की कृपा आप पर नहीं हो जाएगी, सुन लीजिए। अरे सुनिए कुंवर जी, राहुल की कृपा आप में नहीं हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं माननीय प्रदीप भट्टाचार्य जी, सुनिए, बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों नेता प्रवक्ता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तमीज को माप रहा है। सर आप लोगों को शेम, तो राहुल को देख जाके यार हमें क्या बता रहा है, ये शर्मनाक है। रात को बिजली छोड़ के भाग जाता है, आप तीनों की लड़ाई को खत्म करें और मुझे एंड करने के लिए सामने लाए, क्योंकि ये जो आप तकरार जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही भारतीय राजनीति का वो सच है जिसको मैं बताना चाह रहा था। और इस सच को जब एक चुनावी विश्लेषक और उसका पंडित, या आप कह सकते हैं चुनाव का मैनेजमेंट करने वाला, जब कोई बात बोलता है तो यह कहा जाता है कि वो तो किराए पर खरीदे जाते हैं, उनकी बात क्या। लेकिन यकीन मानिए, प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को जिस हिसाब से नसीहत दी और उनकी रणनीति और उनकी सोच की व्याख्या की, सचमुच में अगर कांग्रेस पार्टी उस पर आत्ममंथन करे तो निश्चित रूप से विपक्ष की राजनीति करते हुए सत्ता की ओर आगे बढ़ सकती है, अन्यथा मोदी युग का अंत होने वाला नहीं
और अगर हो भी गया तो भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक पर्याय बनी रहेगी। एबीसी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीसी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं रहता।